वेलकम डियर स्टूडेंट, अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, राइट। इसके पहले मैंने लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारा मैंने क्वेश्चन भी बताया है और उस पर अनेक टाइप का जो भी फॉर्म है वो सभी को डिस्कस करते हुए आज नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड लेक्चर जो आपके वर्किंग रूल के साथ पार्ट ए पार्ट क्लियर करेंगे, राइट। अगर जो विद्यार्थी इसके पहले लेक्चर नहीं देखे हैं नॉन लीनियर का, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बहुत सारा स्टैंडर्ड फॉर्म बताया है कि ये फॉर्म को हम डिस्कस करने वाले हैं, वो विद्यार्थी जाके जरूर देख लेंगे ताकि उनसे पता चलेगा कि कौन कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ना है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, राइट। तो चलते हैं इसका फॉर्म बताते हैं कि ये फर्स्ट टाइप में फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है फॉर्म इसके बारे में। लेकिन वो इन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं या फिर बीएससी या एमएससी या किसी कॉम्पिटेटिव की तैयारी करने वाले हैं, एज ए लाइक बोल सकते हैं सीएसआईआर नेट गेट आईआईटी एग्जाम इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है, राइट। इस पर जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे ताकि उनसे जो भी प्रॉब्लम हो या बहुत सारा क्वेश्चन भी जो है ना इसके पीडीएफ जो है ना हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका अपलोड कर देंगे, राइट, उससे ले सकते हैं, राइट। तो चलिए इसका हम वर्किंग रूल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्या इसका फॉर्म है क्या इसका कंडीशन है, राइट। चलिए देखिएगा, मैंने इसका फॉर्म लिखा है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में टाइप फर्स्ट में ओनली पी एंड क्यू यानी पी और क्यू का फॉर्म रहेगा जिसमें एक्स बाई जेड नहीं रहेगा। मतलब जो इसके पहले लेक्चर देखे उसमें जाके जो है ना फिर से इसका एक बार रिवाइज कर लेंगे ताकि अनुभव होगा कि कौन कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ना है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है कि पी और क्यू रिप्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो लिखा है कि द इक्वेशन आर ऑफ द टाइप व्हिच कंटेन ओनली पी एंड क्यू ऑफ द फॉर्म फंक्शन एफ पी क्यू इक्वल टू जीरो। मतलब ये फंक्शन में P और Q ही रहेगा, X और Y नहीं रहेगा, राइट। कैसे इसका वर्किंग रूल होगा इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं वर्किंग रूल का फॉर्म, राइट। चलिए वर्किंग रूल में क्या है इसका फॉर्म जरा देखिए। वर्किंग रूल में लिखा है फंक्शन P कॉमा Q इक्वल टू जीरो यानी ये फंक्शन P और Q में रहेगा, X, Y, Z नहीं रहेगा क्वेश्चन में, सिर्फ P और Q रहेगा। तो P और Q में लिखा है कि फर्स्ट में इसको इक्वेशन मैंने फर्स्ट मान लिया, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट इज गिवन एज जेड इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी यानी ये इक्वेशन एक मान लेंगे जेड इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इक्वेशन सेकंड मैंने मान लिया, क्वेश्चन को मैंने फर्स्ट माना और इसको मैंने इक्वेशन सेकंड माना। जितना भी पी और क्यू का फंक्शन रहेगा उसमें हम जेड और मानेंगे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, राइट। इक्वेशन सेकंड मान लिया और फ्रॉम सेकंड इक्वेशन में अब क्या करना है कि जो सेकंड इक्वेशन है उस सेकंड इक्वेशन को हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार वाई के रिस्पेक्ट में। देखिएगा पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो ए एक्स का डीसी ए हो जाएगा और बी वाई कॉन्स्टेंट पार्ट है इसको जीरो हो जाएगा और सी का भी जीरो हो जाएगा, राइट। जिसमें से ये पता है कि पार्शियल डिफरेंशिएट जो जेड में है एक्स के रिस्पेक्ट में लगाया है इसको हम पी मानेंगे, राइट। इसको क्या मानेंगे पी मान लेंगे, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। या तो हम इसी में हम पार्शियली डिफरेंशिएट बाई के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, जेड यहां पे डी वाई यानी एक्स मेरा जीरो हो जाएगा बी वाई को बी हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट पार्ट है बाई का डीसी बाई के रिस्पेक्ट में वन हुआ और सी का जीरो हुआ। और यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि पार्शियली डिफरेंशिएट बाई के रिस्पेक्ट में है तो उसको क्यू मानना है, इसको यहां पर बी हो जाएगा, राइट। जरा देख लीजिए सामने ध्यान से। अब इसके बाद लिखना है कि पुट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन द इक्वेशन, राइट, वी गेट एफ ए कॉमा बी इक्वल टू जीरो, राइट। जो फंक्शन यहाँ पे पी और क्यू में था उसी फंक्शन में पी के स्थान पर मैंने ए और क्यू के स्थान पर बी मैंने पुट कर दिया, राइट। अब इसके बाद लिखना है थर्ड वर्किंग रूल में, नाउ आइदर सब्स्टिट्यूट ए और बी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन में चाहे तो ए का वैल्यू पुट कर देना है या तो बी का वैल्यू पुट करना है यानी किसी एक का ए के रूप में या तो बी के रूप में, ठीक है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन में, तो वो फाइनल आंसर आएगा, राइट।
फिर से क्वेश्चन समझाते हैं, जरा देखिएगा। सबसे पहले जो फंक्शन रहेगा p और q में रहेगा इक्वल टू जीरो, इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहा है। कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके लिए मैंने एक फॉर्म मानना है z बराबर ax प्लस by प्लस c, इक्वेशन सेकंड मान लिया। जो मैंने माना है इसका मैंने पार्शियल डिफरेंशिएट कर लेना है, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में। जैसे ही मैंने पार्शियल डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में किया है तो ax का dc a होगा, x का 1 हो जाएगा, और बाकी by और c ये कांस्टेंट पार्ट है, 0 हो जाएगा, जिसमें से del z by del x p हो जाएगा, ठीक है, यहां ए होगा। और यहां पे देखिए बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और सी जीरो हो जाएगा कांस्टेंट पार्ट, और बी बाई में बी बाहर होगा, बाई का वन हो जाएगा। तो डेल जेड बाई डेल वाई को क्यू मानना है और यहां पे बी, राइट। फिर यहां पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन द इक्वेशन, यानी जो इक्वेशन है उसमें हम पी और क्यू का वैल्यू पुट कर देंगे, जो ए ए पी का वैल्यू आया है और क्यू का वैल्यू आया है क्या बी, मैंने पुट कर दिया जो फॉर्म दिखा है। अब इसके बाद क्या करना है, थर्ड में नाउ आइदर सब्स्टिट्यूट ए और बी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी सेकंड जो इक्वेशन है इसमें जो मैंने ए और बी निकाला है उसको पुट कर दीजिए, चाहे तो ए के रूप में या तो बी के रूप में, राइट। और जो आएगा फाइनल वही कंप्लीट आंसर आ जाएगा, राइट। अब सवाल है कि इसको वर्किंग रूल तो मैंने बता दिया है, लेकिन इसका क्वेश्चन कैसे रहेगा, जब तक के एक प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, जब तक के कन्फर्म पूरा रूप से नहीं हो पाएगा, राइट। तो इसके लिए एक बेहतर बनाने के लिए इस पर हम क्वेश्चन दिखाते हैं कि कैसे इस वर्किंग रूल पर स्टेप टू स्टेप क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं, राइट। चलिए तो चलते हैं इस पर क्वेश्चन, जरा क्या है इसका क्वेश्चन इसके बारे में, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चलते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर, राइट। नेक्स्ट, चलिए मैंने क्वेश्चन लिखा है फर्स्ट में, फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन पी क्यू इक्वल टू पी प्लस क्यू। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म जो बताया था, मैंने फर्स्ट में क्या बताया था कि जो फंक्शन होगा पी और क्यू में रहेगा, जिसमें एक्स बाई जेड नहीं रहेगा, राइट। और भी स्टैंडर्ड सेकंड थर्ड फोर्थ उस समय बताया, जिसमें से एक्स है, किसी में एक्स बाई है, किसमें एक्स बाई जेड है, राइट, किसमें एक्स बाई जेड नहीं है। तो नहीं वाला सामने में दिख रहा है, पी क्यू इक्वल टू पी प्लस क्यू, राइट। अब इस फॉर्म के लिए वर्किंग रूल लिखा है मैंने, सबसे पहले कि जो फंक्शन है उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है, मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना है। इस गिवन इक्वेशन के बाद मैंने एक फॉर्म मानने के लिए बताया कि जेड बराबर मानना है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, उसका पार्शियल डिफरेंशिएट एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में। पहले इतना हम काम करते हैं, राइट, सोल्यूशन करते हैं, उसके बाद सोल्यूशन सोल्यूशन का प्रक्रिया में लिखते हैं क्या, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, माने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सामने दिख रहा है, इज ऑफ द फॉर्म क्या दिख रहा है, इफ If फंक्शन p कॉमा q इक्वल टू जीरो, यानी यही फंक्शन है जो सामने दिख रहा है क्वेश्चन, यानी पी क्यू इक्वल टू दिख रहा है क्या p प्लस क्यू, राइट, पी क्यू इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू पी प्लस क्यू, इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं फर्स्ट, राइट। अब इसके बाद जरा देखिए आगे, यह है विच इज नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्लियर है। अब इसमें ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लिख सकते हैं, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये मैंने सभी पहचानने का तरीका बताया है, इसके पहले लेक्चर में जाकर जरूर देख लेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर का कैसे है और कैसे नहीं है, राइट। आज हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन हम क्लियर कर रहे हैं। अब इसके बाद हम मानते हैं, हेंस इट इज, हेंस इट इज, हेंस या इट्स कंप्लीट इंटीग्रल, hence its complete
इंटीग्रल। कंप्लीट इंटीग्रल में मैंने क्या एक फॉर्म माना था, जेड बराबर कंप्लीट इंटीग्रल इज जेड इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, राइट। ये फंक्शन का ये फॉर्म वर्किंग रूप में मैंने लिखवाया था। चलिए तो इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं सेकंड। अब इसमें हम एक काम करते हैं, इसमें पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं। पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन सेकंड में, एक बार एक्स का रिस्पेक्ट एक बार वाई का रिस्पेक्ट। जरा देखिएगा, पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। जब पार्शियली डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो जरा देखिएगा इसका फॉर्म क्या क्या दिखाता है। यहां पे देखिएगा z बराबर ax प्लस b, यानी ax आ जाएगा, by का जीरो c का जीरो हो जाएगा, जिसमें मैंने पार्शियल डिफरेंशिएट में मैंने इसको p माना था इक्वल टू a। अगर हम इसको हम एक फॉर और करते हैं कि y के रिस्पेक्ट में करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएट, तो ax जीरो हो जाएगा, by का b और c का जीरो, इसको मैंने q माना था, राइट। मतलब जहां p है वहां a लिख सकते हैं, जहां q है वहां b लिख सकते हैं। चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट से, राइट। फ्रॉम फर्स्ट का फॉर्म क्या है जरा इसके बारे में, वेयर जो फंक्शन है यहां पे, वेयर एक मिनट, इसमें हम क्या करेंगे, वेयर जहां मेरा फंक्शन यहां पे क्या है, फंक्शन ए पी कॉमा क्यू है, तो जहां पी है वहां ए और यहां पे क्यू है वहां बी इक्वल टू जीरो। इस फंक्शन का फॉर्म मेरा क्या लिखा हुआ है कि देखिएगा यहां पे पी ए पी क्यू है, तो यहां ए बी इक्वल टू ए प्लस बी। अब इस फंक्शन से हम यहां से बी के वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यहां से ए का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, दोनों निकाल सकते हैं। तो हम एक एक करके हम दोनों निकाल के दिखाते हैं कि कैसे इसका फॉर्म बनेगा, राइट। देखिएगा सबसे पहले हम बी निकालना चाह रहे हैं, तो हम ए को ये सेट कर लेते हैं, तो ए बी माइनस ए इक्वल टू बी, दोनों में हम एक फॉर्म हम सेट करते हैं। अगर हम b निकालना चाहेंगे तो b को इधर करना होगा ना, एक मिनट, b को हम ये साइड कर देते हैं और a को रहने देते हैं, राइट। जिसमें से b कॉमन कर लेते हैं, तो b जब कॉमन करते हैं तो देखिए यहाँ पे b जब कॉमन किया तो क्या बचा, a माइनस वन इक्वल टू ए, इसको डिवाइड में आ जाएगा, तो लिख सकते हैं क्या, b बराबर लिख सकते हैं a अपॉन a माइनस वन जो सामने दिख रहा है। अगर इसमें से हम a का वैल्यू निकालना चाहें इसी फंक्शन से, जरा देखिएगा इसी फंक्शन से अगर हम a का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, देखिए कैसे निकालेंगे, ए बी इक्वल टू ए प्लस बी है, अगर a निकालना चाहेंगे तो हम एक काम करेंगे कि a को ये साइड कर देते हैं, यानी ए बी माइनस ए इक्वल टू बी। अभी दोनों में से हम a कॉमन कर लेते हैं तो b माइनस वन इक्वल टू बी, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो इस फंक्शन को a बराबर लिख सकते हैं b अपॉन b माइनस वन जो सामने दिख रहा है। मतलब a का वैल्यू भी निकाल सकते हैं और b का वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों फंक्शन का फॉर्म निकाल सकते हैं। मैंने वर्किंग रूल में लिखवाया था कि जो फॉर्म है उस फंक्शन के फॉर्म जो मेरा p और q में था, उसको p और q के जगह पर p का वैल्यू के स्थान पर a और q के स्थान पर b मैंने पुट कर दिया है, और जैसे ही मैंने पुट किया p और q के स्थान पर a और b, तो ये फंक्शन दिखा। इस फंक्शन से a का वैल्यू निकाले या तो b का वैल्यू निकाले, तो मैंने पहले में b का निकाल दिया, फिर उसके बाद क्या लिखाया कि a का भी दोनों में से निकाल सकते हैं, और दोनों में से किसी का भी किसी के रूप में भी, अगर मान लिया हम b का फॉर्म लेके चलते हैं तो इक्वेशन जो सेकंड दिख रहा है इसमें b का वैल्यू पुट कर देंगे, राइट, या तो फिर a का वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों में से कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं किसी फंक्शन के रूप में, राइट। तो हम एक काम करते हैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, लिखते हैं सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकंड बिगेट, यानी सेकंड इक्वेशन में देखिए क्या करते हैं, z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी के स्थान पर क्या पुट करते हैं, ए अपॉन ए माइनस वन, ए अपॉन ए माइनस वन इंटू वाई, राइट कर दिया, और प्लस सी, प्लस सी, राइट। ये फॉर्म जो आया ए और सी के रूप में आ गया। अगर मान लिया हम यहां पे ए का वैल्यू अगर पुट करते और बी ऐसा ही रहा था तो फंक्शन b और c के रूप में आता, राइट। तो किसी भी फॉर्म ला सकते हैं, तो मैंने यहां फंक्शन का जो फॉर्म लाया है a और c के रूप में लाया है, क्लियर। ये भी मेरा कंप्लीट आंसर है, इसको हम लिख सकते हैं लास्ट में, एक लाइन लिख सकते हैं क्या, व्हिच इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन, हेंस a एंड c आर आर्बिट्री कांस्टेंट, राइट। एक लाइन लिख देते हैं इस पर, ज्यादा बढ़िया होगा, व्हिच इज
विच इज रिक्वायर्ड, विच इज रिक्वायर्ड, चलिए मैंने लिखा है क्या, विच इज रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, हियर ए एंड सी आर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कर सकते हो, सामने दिख रहा है परफेक्ट रूप में, मैंने कुछ नहीं किया है, जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन को मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन में एक कंप्लीट इंटीग्रल फॉर्म मानना है, जो z पावर x + dy + c, इसका पार्शियल डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट और y के रिस्पेक्ट में करेंगे। x के रिस्पेक्ट को मैंने a मान लिया, y के रिस्पेक्ट यहां भी p मान लिया और y के रिस्पेक्ट को q मान लिया, और इसी फंक्शन जो p और q था उसको a और b के फॉर्म में करके b का या तो a का वैल्यू निकाल लिया और उसको फिर लास्ट में मैंने पुट कर दिया इक्वेशन सेकंड, राइट, सामने दिख रहा है। इस पर एक क्वेश्चन और दिखाते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा बढ़िया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। इस सभी का पीडीएफ जो है ना हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेट कर देंगे ताकि आपको नोट करने में दिक्कत ना हो, राइट। चलिए इसको जरा नोट करेंगे और हम आगे क्वेश्चन एक और बताते हैं, डिस्कस करते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन का प्रक्रिया में क्या क्या लिखते हैं जरा देखिएगा। सॉल्यूशन गिवन द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, लिखा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इक्वेशन फर्स्ट मैंने मान लिया। अब इसके बाद इस फॉर्म के लिए सबसे पहले एक काम करना है कि इसका स्टैंडर्ड फर्स्ट, इट बिलोंग्स टू अ स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, इट बिलोंग्स टू अ स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में बिलोंग्स कर रहा है, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट पी कॉमा क्यू इक्वल टू 0 का फंक्शन है, राइट। अब इस फंक्शन में एक काम करेंगे, कंप्लीट इंटीग्रल फॉर्म मान लेंगे, हेंस इट्स, हेंस इट्स कंप्लीट इंटीग्रल्स, कंप्लीट इंटीग्रल्स इज z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इक्वेशन मान लेंगे सेकेंड। अब इसको, इसके लिए एक फॉर्म मानते हैं जो p बराबर a और q बराबर b होगा, राइट। नाउ बार बार इसका डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली देंगे कि नाउ पुट p इक्वल्स टू a एंड q इक्वल्स टू b, राइट। इसके पहले बर्किंग रूल मैंने बताया है और इसके फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने क्लियर किया है, राइट, कि पी कैसे आता है। इसका पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में पी होगा, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे जेड के वाई के रिस्पेक्ट में तो क्यू होगा। अब इन इक्वेशन जो फंक्शन है फर्स्ट में पुट कर देंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो जहां पी है वहां क्या पुट होगा, ए, तो ए स्क्वायर, जहां क्यू है वहां क्या पड़ेगा, बी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, राइट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इस फॉर्म से चाहे तो ए का वैल्यू निकाल लेते हैं या तो बी का वैल्यू निकाल लें, अगर मान लिया हम बी का वैल्यू निकालेंगे या तो ए का वैल्यू निकालेंगे, किसी एक का वैल्यू निकालेंगे, तो हम अगर मान लिया बी का वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट, या फिर ए का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यही की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट में करेंगे तो प्लस माइनस रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, यहां से बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों में से किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं, और फिर निकालने के बाद हम पुट कर देंगे इसमें इक्वेशन नंबर सेकंड में, राइट। अगर हम यहां से बी का वैल्यू निकालते तो बी बनाता रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, दोनों में से कोई निकाल सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, क्लियर। तो लिखते हैं सो नाउ जेड इज, सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं जेड बराबर ए के स्थान पर प्लस माइनस रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, राइट। तो ये फॉर्म का इक्वेशन आया जो आंसर आया बी और सी के रूप में, यानी ये कॉन्स्टेंट फंक्शन जो फॉर्म हुआ वहां लिखेंगे क्या, विच इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सोल्यूशन, विच इज, विच इज द
रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ऑफ गिवन इक्वेशन, राइट। हेयर ए बी एंड सी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, हेयर बी एंड सी आर टू आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, हेयर बी एंड सी आर टू आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, राइट। चलिए तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है सामने परफेक्ट रूप में हो गया है, यानी बी एंड सी आर टू आर्बिट्री कॉन्स्टेंट जो है यहाँ पे बी और सी के रूप में यहाँ पे कॉन्स्टेंट फंक्शन आया है, राइट। तो मैंने दो क्वेश्चन डिस्कस किया है ये स्टैंडर्ड फंक्शन फर्स्ट में, स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में, राइट। इस पर हम कुछ एक क्वेश्चन देते हैं जो घर से बनाना है एलडब्ल्यू ग्रुप में, नहीं बनने पर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसका भी सोल्यूशन हम कर सके, राइट। चलिए तो आज इतना ही, और इसका एलडब्ल्यू जरा देखेंगे इस पर, इसको पहले नोट कर लिए उसके बाद एलडब्ल्यू देते हैं, राइट। और अनेक टाइप का क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो सके और किसी प्रकार का दिक्कत ना हो सके, राइट। पर इसको नोट करेंगे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं एसडब्ल्यू के रूप में, नेक्स्ट क्वेश्चन एसडब्ल्यू के रूप। चलिए क्वेश्चन है जो एसडब्ल्यू के रूप में है, लिखा गया है पी बराबर टू क्यू स्क्वायर प्लस वन, इसका सोल्यूशन करना है, नहीं सोल्यूशन हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ताकि इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसी क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा, राइट। और इसी स्टैंडर्ड फर्स्ट फॉर्म में जो भी मैंने क्वेश्चन दिखाया है इस पर अनेक टाइप के क्वेश्चन दिखाने वाले, इतना ही क्वेश्चन नहीं है, अभी बहुत सारा टाइप दिखाने वाले हैं। ये तो हम साधारण साधारण क्वेश्चन दिखा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अनेक टाइप का क्वेश्चन दिखाएंगे कि कैसे इसका और भी क्वेश्चन हो सकता है, किस फॉर्म में होगा इसके बारे में, राइट। तो आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का बेहतरीन थ्योरी और बेहतरीन क्वेश्चन। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी या एमएससी या किसी कॉम्पिटेटिव की तैयारी करने वाले हो, एज ए लाइक सीएसआईआर नेट गेट आईआईटी एग्जाम, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए इस चैनल पे आपको बेहतरीन बेहतरीन थ्योरी मिलेंगी और बेहतरीन टॉपिक मिलेंगे, राइट। और जो भी विद्यार्थी को पढ़ाया जा रहा है इस टॉपिक को, पूरा टॉपिक को हम बहुत सारा क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर क्वेश्चन और भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका बहुत सारा जो क्वेश्चन है इसको पीडीएफ बना करके हम अपलोड कर देंगे ताकि आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा, राइट। तो आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्लियर। चलिए।